सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हो और आप उसे चेंज करना चाहते हो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता लगा सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो अपने मन मुताबिक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना वाईफाई ओपन करते हैं तो हमारे आसपास जितने भी वाईफाई होते हैं उनके नाम वापस होने लगते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से आप अपने वाईफाई का नाम भी चेंज कर सकते हो। जो नाम आप अपने वाईफाई का रखना चाहते हो आप वही नाम अपने वाईफाई का रख सकते हो। दोस्तों, जो सारे तरीके ये सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको आसानी समझ में आ सके कि आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करना है और कैसे पता करना है और कैसे आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता लगा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग ओपन करनी है, यानी कि आपके फ़ोन की जो सेटिंग है आपको उसे ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे जो कि आपके फ़ोन में होते हैं, तो आपको पर्सनल हॉटस्पॉट पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो वाईफाई का हॉटस्पॉट का नाम है वो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है नेटवर्क आईडी नाम से। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप जो भी नाम लिखना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज करता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने अपना नाम यहाँ चेंज कर दिया अपने वाईफाई का। अब दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी आ रही है, आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हो चाहो तो। यहाँ पर दिख रही होगी, आप चाहे सिक्योरिटी लगा सकते हो, नहीं तो आप इसे नन कर सकते हो। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर नन पर क्लिक कर दोगे तो जब भी आप अपना हॉटस्पॉट ओपन करोगे दोस्तों जिन लोगों के पास भी आपका जो वाईफाई का नाम जा रहा होगा वो सब यहां से कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। दोस्तों, इसलिए यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक सिक्योरिटी का एक नन का। अगर आप इस सिक्योरिटी पर क्लिक करके रखोगे तो सिर्फ वही आपके हॉटस्पॉट पर क्लिक कर सकता है, आपकी वाईफाई को सिर्फ वही कनेक्ट कर सकता है जिसको आपकी वाईफाई का पासवर्ड पता होगा। तो दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है पासवर्ड का, इसमें दोस्तों देखिए जो नाम लिखा हुआ है ये मेरा पासवर्ड है इस वाईफाई का, तो आप चाहो तो इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में यही बताने के लिए ये बताया कि आप अपने वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पासवर्ड पर क्लिक करना है और इसे रिमूव करना है, और आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो आप यहां से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए मैं यहां पे कुछ भी रख देता हूं। तो दोस्तों देखिए मैंने यहां पे अपने वाईफाई का पासवर्ड रख दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें एक रीजन है कि आप अपना वाईफाई का पासवर्ड 8 नंबर से कम नहीं रख सकते, तो आपको 8 नंबर तो रखने ही पड़ेंगे। तो इसी वजह से मेरे यहाँ पे डन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसमें सिर्फ 6 या 7 नंबर का पासवर्ड बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, 1 नंबर बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर बढ़ाया ऊपर डन का ऑप्शन आ चुका है। तो आप इसी तरीके से अपने वाईफाई का पासवर्ड और नाम इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब जब भी आप अपना हॉटस्पॉट ओपन करोगे किसी को कनेक्ट करवाने के लिए, तो दोस्तों आपका जो वाईफाई है उसके फ़ोन में राज नाम से आएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नाम राज रख दिया है अपने वाईफाई का। और दोस्तों, पासवर्ड जो आपको दिख रहा होगा ये वाला है, तो जब वो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा तो उसे यहाँ पे ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब उसके फ़ोन में कनेक्ट होगा आपका वाईफाई। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने वाईफाई का पासवर्ड और उसका नाम चेंज कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनको ये छोटा सा तरीका ही पता नहीं होता कि वो अपने वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे उसे सिक्योरिटी दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं उनका जो वाईफाई होता है वो नन पे होता है, तो काफ़ी लोग दोस्तों क्या होता है जैसे ही वो अपना हॉटस्पॉट ओपन करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है जैसे ही वो अपना हॉटस्पॉट ओपन करते हैं उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप उसमें कैसे सिक्योरिटी लगा सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है, पासवर्ड और नाम कैसे चेंज कर सकते हो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड पता लगा सकते हो और कैसे आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।